अभी सबसे पहले हम जाने लगे हैं सोनमर्ग। सोनमर्ग में आज का हमारा स्टे होएगा। बर्फ के पूरे लुफ्त उठाए जाएंगे सोनमर्ग में। और मुझे एक चीज बताओ, सोनमर्ग में ज्यादा बर्फ होगी या गुलमर्ग में? गुलमर्ग में और सोनमर्ग में सेम है। सेम है? ओए हो, आज तो मतलब कि पूरी आइस वालो जड़ी होती है ना, देख ले लिया हमने। बर्फ के गोले बनाए गए वहाँ पे। कितनी देर का रास्ता वैसे भी यहाँ से? यहाँ से 2.5 घंटे 3 घंटे लग जाए। 3 घंटे का रास्ता। तो अभी हम रास्ते में कुछ होगा खाने के लिए? खाने वाने के लिए अच्छी आराम से आपको हमें ऐसे खाना चाहिए जो यहाँ का हो। अच्छा, ट्रेडिशनल खाना चाहिए। लोकल लोकल नॉनवेज नॉनवेज भी खा लेंगे। नॉनवेज भी चलेगा? वही नॉनवेज ही है यहाँ लोकल में, नॉनवेज ही होता है ज्यादा। चलो ठीक है। यहाँ का जो है शफी जी, मैंने ना कल रात से खाना नहीं खाया हुआ इस वजह से कि मैं कश्मीर आके जिंदगी भर याद रखोगे। तो हमारी सारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो शफी जी के ऊपर आ गई हुई है। काफी बारी घूमे फिरे चंडीगढ़ रहते, पास में पहाड़ है हमारे, पर यहाँ का दृश्य जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहाड़ बहुत ऊंचे हैं, है ना? और पहाड़ साथ में है, मतलब यूजली हम पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ चढ़ते हैं गोल गोल घूमते हैं ना, तो यहाँ पे प्लेन जा रहे हैं और पहाड़ साथ साथ है, बहुत अच्छा लग रहा है। उधर भी क्लाउड आते हैं, बेचारे बीच में लटके हुए हैं, क्यूट लग रहा है। तो जी अभी रास्ते में लिया है हमने हॉल्ट, और मेरे ख्याल कंगन है जगह का नाम जहाँ पे हम रुके हैं। और भैया ने यहाँ पे ना एक कश्मीरी रेस्टोरेंट रिकमेंड किया है हमें, जिसमें देखते हैं खाने में क्या मिलेगा ऊपर जाके। चलो ठीक है। अंदर कैबिन में बड़ी प्राइवेसी रखी है, इसे कैबिनेट में रखे हैं। हाँ, अरे उधर से उधर बैठते हैं। डिफरेंट सी फील वाला रेस्टोरेंट है, मतलब अलग से, जैसे कॉन्फ्रेंस रूम नहीं होते, अलग अलग मीटिंग्स वगैरह करनी है किसी ने, तो सारे में डिवीजन वगैरह की हुई है। और मुक्ति, अगर यहाँ पे सिर्फ नॉनवेज मिलता हुआ तो तू क्या खाएगी? रोटी और चावल प्लेन बिना किसी चीज के, या ग्रेवी ट्राई कर लियो थोड़ा सा? ठीक है ठीक है। मुझे तुम्हें देख के एक याद आ रहा है वर्ड। क्या? नवाबी। क्या बात। अच्छा तो जी, खाने में मैंने ऑर्डर किया है वाजवान, और उसको खाया जाएगा हाथों के साथ। ये हैंड वॉश जो है ना ऑन द टेबल होता है यहाँ पे। अब मैं भी करवा लूँ अपने, या पहले बताते मुझे वॉशरूम में हाथ धो के आइए। इसको बोलते क्या है ये इस चीज को? तश नारी। अच्छा ये तश है और ये नारी है। अच्छा, और मुक्ति तू पूछ रही थी ना कावा जो होता है वो, मतलब कैसे ऐसा ही बड़े फॉर्म में होता है, उसके अंदर कावा बनता है, उसमें आग डालता है। हाँ वो भी पिएगे, वो हम कहीं और से पिएगे या देखते हैं। वाजवान आ चुका और उन्होंने बोला कि भी 2 थालियां आई हैं, 2 थाली और आनी है। वो थाली नहीं है मुक्ति, वो वेज है तेरे लिए। सच्ची में वो राइस अलग से मंगाया मैंने। मैंने पूछा भाई ऐसा नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा राइस है ये। एक्स्ट्रा राइस मंगाए हैं क्योंकि क्योंकि 3 चीजें अभी और आनी है, वो तीनों नॉन वेज है, इसलिए मंगाए थे एक्स्ट्रा राइस। हाँ कि तू चावल खाएगी बस। अच्छा जी, अभी आता तो दिखाता हूँ। और तुमने एक नोटिस की चीज, प्लेट को टच करके देखो, वार्म है ना? वार्म है, मेटल है। अच्छा ये है अपना वस्तावा जी, रिश्ता। हाँ रोगन जोश, ठीक है। अब ये पूरा हो चुका हुआ है, और ये ऊपर क्या डाला हुआ है, ये चीज क्या है? मेथी। ये मेथी। अच्छा मेथी, प्याज, प्याज और प्याज की चटनी। और ये सीख कबाब हो गया, ये अपनी चाप हो गई, मटन चाप, तबक मांस जी, और ये चिकन। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इसका खाने का मजा हाथों से। अच्छा मैंने नेल एक्सटेंशन निकाल दी है ना, मैं हाथ से खा सकती हूँ। मुक्ति खाएगी चावल और मेथी, साथ में ग्रेवी ले लियो थोड़ी बहुत। ऑप्शन है नहीं मेरे पास कोई। जी हम चंडीगढ़ से। हाँ जी। टेस्ट ये करो ये करो ये करो और बताओ कैसे। देखो सबसे पहले खाया जाएगा सीख, क्योंकि अगर मैं खा के कुछ बोलूंगी देन वो नॉनवेज वालों के लिए जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसे ट्राई नहीं किया हुआ, टेस्ट नहीं किया हुआ। मटन सीख कबाब है, और जो यूजली हम चंडीगढ़ वगैरह में खाते हैं वो फ्रोजन होते हैं, फ्रेश नहीं होते, पर इसको खा के फ्लेवर ही बहुत ज्यादा डिफरेंट आ रहा है।
और बहुत ज्यादा स्वाद है। तुम जल्दी जल्दी खाओ और बताओ ओवरऑल कैसा है। तुम तो यार फूडी की वीडियो बनाने लग गए हो। ये जो देख रहे हो ना, ये है मटन बॉल, असली मटन बॉल। ये मटन को पूरा ऊपर ऐसे किम्मा बना के फिर उसको ऐसे बॉल बना के इसके अंदर डालते हैं। प्रोसेस इसका और इसका दोनों का सेम होता है, ग्रेवी वगैरह का फर्क है, जैसे रेड सॉस पास्ता व्हाइट सॉस पास्ता वैसे। हाँ, उस तरीके से लगा लिया साहब। तो इसको डालते हैं और खा के देखते हैं। अच्छा चिकन है ये। बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा क्रीमी बटरी फ्लेवर है। और एक बार ये वाला खाओ क्योंकि तुम्हें ज्यादातर रेड सॉस पास्ता अच्छा लगता है ना, तो यू मे लाइक इसका। व्हाइट सॉस मतलब स्पाइसी, देखो रेड का मतलब होता है स्पाइसी, व्हाइट का मतलब होता है क्रीमी। देखो ऐसा नहीं है कि ये अगर व्हाइट कलर का है तो मसालेदार या स्पाइसी नहीं है, फ्लेवर्स बहुत अच्छे हैं इसके। मतलब एक बार ये खा के देखो, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम खाते हो बर्फ के गोले, हम खाते हैं मटन के गोले। कैसा है? हाँ, रेड और व्हाइट, व्हाइट ज्यादा अच्छा लगा, व्हाइट अच्छा लगा था। ये एक्चुअली फ्लेवर खाया हुआ टाइप है क्योंकि मटन रोगन जोश पहले भी खाया हुआ, ये पहली बार ही खा रहा हूँ ना, मुझे ज्यादा अच्छा लगा। सवाल तो मुझे अपने से पूछना चाहिए, मुझे क्या करना है इस टाइम। मेरे लिए भी नहीं, ये भी तो मैं। और अब एनर्जी पूरी आ चुकी है और अब लेते हैं पूरे के पूरे नजारे। और उनका एक बात बोलूं, तुम बोल रहे थे कि तुम्हें व्हाइट वाला ज्यादा अच्छा लगा। हाँ। मैंने दोनों की ग्रेवी खाई। हाँ। मुझे रेड की ग्रेवी ज्यादा अच्छी लगी। चलो अच्छा है, तुझे मसालेदार पसंद होगा। मसालेदार अच्छा लगा। एक्चुअली जो व्हाइट वाला था ना, वो था बिल्कुल जैसे लस्सी में बनाया हुआ है, खट्टा सा, तो मुझे अच्छा लग रहा था वो। हम रास्ते में जा रहे थे और एकदम से गाड़ी क्रॉस कर रही थी और ठक चारे बजी और शीशा टूट गया। शुगर है शीशे टूटे। हाँ। है ना। अब पीछे लड़ाई होगी। लड़ाई होगी नहीं पता नहीं मुझे। तुम ऐसे ही मजे लेते रहो। लड़ाई साइड में व्यू देखो यार, साइड में खाई देखो यार। मैं अपने साइड में चल रही है, उधर से मिट्टी बचा रहा है, उधर से मिट्टी लग रहा है। लगना नहीं चाहता था गाड़ी को, तो दाए गाड़ी। और मिट्टी बचाने के चक्कर में गाड़ी ठोक गाड़ी ठोक दी। मेरे को तेज चल रहा है, मैं कौन सा, मैंने बोला 40 स्पीड है। स्नो देखी है, बर्फ देखी है, बट इतनी बर्फ सच्ची बताऊं कभी नहीं देखी है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम ठंडे रेगिस्तान में आ चुके हैं, बर्फ वाले। सही बात है। जीप में वो होती है डेजर्ट सफारी, यहाँ पे स्नो सफारी। हाँ, लोग हम भी एक बार होटल जाके चेक इन करके ना वेलकम, मतलब जहाँ भी जाएंगे होटल हमें इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि मुक्ति ने कपड़े वगैरह चेंज करने हैं। हाँ, तो यहाँ पे शॉपिंग के तो फाइनली हम पहुँच गए अपने होटल में। ओंकार, बर्फ तो ऊपर ऊपर तक भरी पड़ी है। सच कही मेरी हाइट से ज्यादा लंबी बर्फ है, दिखाता हूँ। तो मेरी जो हाइट है ना वो 6 फुट के करीब है और ये 6 फुट से भी ऊंची ऊंची बर्फ पड़ी है। यार यहाँ पे एकदम ऐसी बर्फ है जैसे कॉटन कैंडी नहीं होती है। किसी ने हाथ नहीं मारा था। वेरी गुड। सच्ची में कॉटन कैंडी मेरे हाथ के तो छाल पड़ गया। यार रील बनाएंगे। कितनी सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। तेरा मुंह में ऐसे मारूंगा बर्फ में, देखना निशान पड़ जाएगा। मार के देखो अपना। सच में मारूंगा, मार के देखो। शूज गिल्ले हो जाएंगे। 1 2 मेरा मुंह ऐसा दिखता है। वो तो मेरा नाक भी चिप गया। हम देखने लगे रूम्स की ऑप्शन कि व्यू कहाँ से अच्छा है। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस है। मुक्ति आउटडोर चेक कर, ये तो फ्रंट है। क्या बात है, ये तो गाड़ी का व्यू आ गया। हम पीछे दूसरा भी है, इधर भी देख लेते हैं। हाँ, ओए हो, ये तो अद्धा करने वाला व्यू है। बर्फ पूरी ऐसे आंखों में चुभ रही है। अच्छा नहीं, पानी गिरा ऊपर से। पीछे रिवर व्यू। वैसे तो ना इतनी ज्यादा सुंदर जगह है कि जहां मर्जी देख लो व्यू ही व्यू है। और हम पता नहीं क्यों ऑप्शन वगैरह दे। अरे वो ही थी, जिन्होंने बर्फ वगैरह बहुत कम देखी होती है ना उनके लिए बहुत अच्छी जगह है यार। और यहाँ से जो व्यू है वो है ये, वो नदी बह रही है, ये ज्यादा अच्छा है। वहाँ धूप आई थी ना, धूप तो इधर भी आएगी। ये अच्छा है,
वो अच्छा लगा। चलो फिर वो वाला ले लेते हैं। धूप तो इधर भी आ रही है, यहाँ पे ही तो धूप आ रही थी। देखा देखा उगती मैडम को ना पहले वाला रूम ज्यादा अच्छा लगा, तो हमने कहा चलो ठीक है। उसको मेरे ख्याल से गाड़ी देखते रह रही है अपनी जो पार्किंग में लगी हुई है, गाड़ी देखनी है। ये कार व्यू है यहाँ पे पार्किंग में, तो नजर रखना चाहती है हमारी गाड़ी पे। धूप चाहिए बहुत ही ज्यादा। जरूरी चीज जो इन कमरों में होनी चाहिए जो है वो है जी हीटर, और साथ ही साथ बेड को हीट करने वाला वो जो लेयर सी होती है वो भी लगी हुई है। क्या बात है, देख ले। अरे ठीक है, थैंक यू। अच्छी चीज, ज्यादा ठंडी जगह पे होते यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे रखते ही हैं ये, हाँ क्योंकि ठंड बहुत है ना इधर। गाइस अभी बस कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, निकलेंगे एक्टिविटीज वगैरह करने के लिए, और आज का जो व्लॉग है यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैडम जी क्या करना है? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दो। तो अभी कल मिलते हैं सुबह 9:30 नए व्लॉग में। एक्टिविटीज वगैरह करने जा रहे हैं, उसका व्लॉग पार्ट टू में आ रहा है। कल मिलेंगे, ये आज का व्लॉग यही खत्म हो गया, सुबह अगले व्लॉग आएगा कल। अरे उनके लिए कल आएगा, हमारा तो ये डे कंटिन्यू हो रहा है, आपको कल देखने को मिलेगा।